आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनौत आतंकवादी है। कंगना रनौत इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में पार पाना चाहती है। सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती है। हम इस बात का इससे बहुत बड़ा विरोध करते हैं। कंगना रनौत का किसान प्रदर्शन को लेकर दिया बयान विवाद का कारण बन गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों का विरोध प्रदर्शन देश में बांग्लादेश जैसे संकट का कारण बन सकता है, जिसके बाद किसान नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिसमें न केवल उन्होंने कंगना के दिए इस बयान पर नाराजगी जताई, बल्कि वे अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पंजाब की सड़कों पर उतर गए हैं। इस बीच पंजाब के अमृतसर से ये तस्वीरें आई, जहां किसान संघर्ष समिति ने कंगना रनौत का पुतला फूंका और उनकी टिप्पणियों को लेकर नारेबाजी की। किसान कंगना के बयान के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी विरोध जता रहे हैं। कंगना रनौत इसने बख बख जो भी किसानी आंदोलन चल रहा था ना 2020 में, इसने बहुत बड़ी टिप्पणी की, किसानों को अतवादी माओवादी कई कुछ बोला। हमने वो भी बर्दाश्त किया, बहुत विरोध किया। कंगना रनौत इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में पार पाना चाहती हैं कि अब सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती हैं। हम इस बात का इससे बहुत बड़ा विरोध करते हैं कि देखो, जे किसान ना होता आज कंगना को बताना चाहते हैं, कंगना जे किसान ना जनगी सिख कौम ना होती, सिख इतिहास की किताबें पढ़ो तेरे को पता लगे, आज सिख इतिहास ना होता, सिख ना होता, तू कंगना नहीं, कंगना रनौत नहीं थी होना, तुमने कंगना खान होना था, तुमने कंगना खान होना था। देखो, जिस कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी देश आजाद होने में, उस कौम को आज आतंकवादी बता रही हो, माओवादी बता रही हो, इसलिए उसका पुतला जलाया। कंगना रनौत है, उसको अब मालूम पड़ा है कभी देश 2014 में आजाद हुआ है, जबकि देश 14 में आजाद हुआ ही नहीं, 1947 में माना जाता है, पर पंजाब के लोगों के लिए अब ये आजादी नहीं आई। अभी पंजाब के लोग जो के त्यों गुलाम है, हम अपनी आवाज दिल्ली तक लेके नहीं जा सकते। दिल्ली पे हमने जाने की कोशिश की, हम अपने हक मांगने के लिए गए तो कंगना रनौत जैसे और भी कई लोग हैं जो किसानों को मेहनत कश लोगों को आतंकवादी बताकर वहां के रोके रखा हुआ है, आतंकवादी लोग है, जबकि किसान पूरे भारत का इतिहास देखा जाए उसने कम से कम 90% से ज्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खित्ते ने दी है, इस धरती ने दी है, इस धरती ने इतना लहू बहाया है कि पंजाब भारत को आजादी मिली है। कंगना रनौत को चार दिन वो एक्शन करके सोचती है कि मैंने आजादी ली, ऐसी आजादी नहीं मिलती, खून देना पड़ता है। हमारी जहां माताएं हैं, हमारी बहनाएं हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यहां पे बड़ा बड़ा खून की नदियां बहाई हैं, तभी यहां पे आजादी मिली है। हम ये चाहते हैं कि कंगना रनौत को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जो ऐसे लोग लोगों को बांटकर लोगों को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना देना चाहिए। आम भारतवासियों को भी अब आपके माध्यम के जरिए विनती है, ऐसे लोगों को कभी भी वोट की सपोर्ट मत करो जो देश को तोड़कर अपनी मनमर्जी कई गुंडागर्दी आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनौत आतंकवादी है, बीजेपी के लोग जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं वो आतंकवादी हैं। हमारी मांग यही है कि जो इमरजेंसी मूवी बनी है ना, वो बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सरकार को बैन करना चाहिए, जो सेंसर बोर्ड है उस पर प्रतिबंध ला के उसको पक्के तौर पर बंद कर दे, ये मूवी चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ेगी मूवी। किसान आंदोलन पर आई कंगना की टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करते हुए शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने 29 अगस्त को एक विवादित बयान दे डाला था, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कंगना रनौत को रेत का तजुर्बा है। कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजुर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजुर्बा है।
तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात करेंगे। हाँ जी कंगना रनौत। हाँ साहब, आपने जिन लोगों के नाम लिए कि भारत सरकार ने उनको विदेशों में मरवा दिया, उन सबके ऊपर तो आतंकवाद के आरोप है, वांटेड है वो इंडिया के अंदर। पर बाहर के मुल्क में नहीं मार सकते जनाब। आप ये मानते हैं कि वो आतंकवाद के कहीं ना कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, और अगर मारना होता है तो अदालत का हुक्म चाहिए। हुक्म के बगैर आप कम गिनती को नहीं मार सकते। नान आदिवासियों को कह के कि ये नक्सलाइट है इनको मार दो, ये ऐसा कानून नहीं है। मुसलमान को आतंकवादी बोल दो उनको मार दो, ये कोई कानून नहीं है, कानून के खिलाफ है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान की इस विवादास्पद टिप्पणी के बाद कंगना ने एक्स पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि देश बलात्कार को तुच्छ समझना कभी बंद नहीं करेगा। आज इस वरिष्ठ नेता ने रेप होने की तुलना साइकिल चलाने से कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनोरंजन के लिए महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा इस पितृसत्तात्मक राष्ट्र के मानस में इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है कि इसका इस्तेमाल किसी महिला को चढ़ाने या उसका मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है, भले ही वो एक हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माता या राजनीतिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।